डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एन अवस्थी वीडियो सोल्यूशन सीरीज इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल वन क्वेश्चन एटी वन टू नाइन्टी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन एटी वन एटी वन में हमें बोला गया है एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें सेवन ऑफ एट कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाई एटम्स ए तो हमारे पास एटम ए यदि अपन देखते हैं तो कॉर्नर्स पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वन बाई एट होता है बट सेवन एटम्स ही वहाँ पर प्रजेंट है तो सेवन एटम्स का वन बाई एट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सिमिलरली सेंटर ऑफ फेसेस आर ऑक्यूपाइड बाई एटम्स बी तो हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम में सिक्स फेसेस होते हैं तो इस बेसिस पे बी जो हो जाएगा और कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर का कितना होगा वन बाई टू तो यहाँ पर ए सेवन बाई एट और बी थ्री हो जाएगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए सेवन बी ट्वेंटी फोर हो जाएगा ठीक है आठ सोलह आठ चौबीस तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है एटी टू इसे बोला गया कैल्शियम सल्फाइड एग्जिस्ट इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ एस टू माइनस आयंस इन विच सी ए टू प्लस आयन ऑकुपाई वन बाई टू ऑफ द अवेलेबल टेट्राहेड्रल होल्स तो हमारे पास यहाँ पर एस टू माइनस जो है वो सी सी पी अरेंजमेंट में यानी एफ सी सी अरेंजमेंट है एफ सी सी अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ एक्टिव आइटम्स जेड जो होता है वो फोर होता है तो जेड यदि फोर है तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एट्रा वर्ड्स जो होते हैं टू जेड के बराबर होते है यानी एट हो जाएंगे और औरड्रल हमारे पास जेड के बराबर होते हैं वो फोर हो जाएंगे तो एस टू माइनस हमारे पास कितने हैं यहाँ पर फोर और इसी के साथ टेट्राइड्रल होल्स जिनमें सी ए टू प्लस ऑक्यूपाई होगा वो कितने हाफ तो हाफ इंटू एट यहाँ पर भी हमारे पास फोर आ जाएगा तो यहाँ पर अपने को पूछा क्या गया हाउ मेनी कैल्शियम टू प्लस एंड एस टू माइनस आयन आर कंटेंड इन वन यूनिट सेल तो हमारे पास एस टू माइनस के फोर एटम्स हैं फोर आयंस हैं और कैल्शियम टू प्लस के भी फोर आयंस है तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है एटी थ्री इसे बोला गया इन द स्पाइनल स्ट्रक्चर ऑक्साइड आयंस आर क्यूबिकल क्लोज्ड पैक्ड यानी हमारे पास ओ टू माइनस जो होता है वो सी सी पी अरेंजमेंट में तो यानी जेड हमारे पास फोर हो जाएगा इसके बाद बोला गया है वेयर वन एट्थ ऑफ द टेट्रा हेडल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाई ए प्लस टू आयन ए प्लस टू हमारे पास वन बाई एट्थ ऑफ टेट्रा हेडल वर्ड्स है तो सी सी पी अरेंजमेंट है तो यहाँ पर ट्रेट्रा हाइड्रल वर्ड्स हो जाएंगे वो टू जेड के बराबर होंगे यानी एट और ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स की बात करें तो ये जेड के बराबर होंगे यानी फोर तो यहाँ पर हमारे पास वन बाई एट इंटू एट ये हो जाएगा वन ए टू प्लस आयन सिमिलरली हमारे पास बी थ्री प्लस आयन की यदि अपन बात करते हैं तो वन बाई टू ऑक्टाहाड्रल वर्ड्स हो गए यानी टू तो इस तरह से अपन देखें यहाँ पर ए का ए के एटम है बी के दो एटम है और ऑक्सीजन के फोर एटम है चार्ज भी बैलेंस करेंगे तो हमारे पास इजीली बैलेंस आउट हो जाएगा यहाँ पर प्लस टू प्लस टू इंटू प्लस थ्री और ऑक्सीजन में फोर इंटू माइनस टू तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी जीरो यानी ये मॉलिक्यूल हमारे पास करेक्ट है ए बी टू ओ फोर तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एटी फोर इफ़ द एनाइंस ए फॉर्म हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग एंड कैटाइंस सी ऑक्यूपाई ओनली टू थर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स तो हमारे पास जो ए है वो एच सी पी स्ट्रक्चर में एच सी पी में टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स जो होगा जेड वो हमारे पास कितना होता है सिक्स ठीक है इसके बाद हमारे पास सी जो है वो टू थर्ड है ऑक्टाहेड्रल हेड्रल वर्ड्स का तो जितना जेड की वैल्यू होती होता है ऑक्टाहीड्रल वर्ड्स होते हैं तो यहाँ पर टू बाई थर्ड इंटू सिक्स तो ये वैल्यू हो जाएगी फोर तो हमारे पास ए सिक्स सी फोर जिसको आप और सिंप्लीफाई करें तो ये ए थ्री सी टू हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है एटी फाइव इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंजड इन सी सी पी तो हमारे पास ओ टू माइनस जो है वो सी सी पी अरेंजमेंट में है यानी एफ सी सी स्ट्रक्चर है तो एफ सी सी स्ट्रक्चर के लिए टोटल नंबर इफेक्टिव एटम्स इन ए यूनिट सेल इज़ इक्वल टू फोर जेड इज इक्वल टू फोर है तो यहाँ पर टेट्रा हेड्रल वर्ड्स जो हो जाएंगे वो टू जेड यानी एट के बराबर हो जाएंगे और ओक्टा हाइड्रल वर्ड्स जो हो जाएंगे वो जेड के बराबर यानी फोर हो जाएंगे इसके बाद हमने को बोला गया ए जो है वो वन बाई एट ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑकुपाई कर रहा है यानी वन हो जाएगा और बी जो है वो वन बाई फोर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑकुपाई कर रहा है तो ये भी वन हो जाएगा तो फार्मूला अपने को कंपाउंड का पूछा गया तो यहाँ पर ए और बी के तो एक, एक, एक आइटम है ऑक्सीजन के हमारे पास टोटल एटम्स कितने होंगे फोर तो ए बी ओ फोर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए ठीक नेक्स्ट है एटी सिक्स इसमें हमें बोला गया इन्हें फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम्स हुज ए एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल बी एटम्स एट द फेस सेंटर वन ऑफ द बी एटम्स मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेसिस इन यूनिट सेल तो हमारे पास देखो ए एटम जो है वो हमारे पास कॉर्नर्स पे एट कॉर्नर्स है, होते हैं वन बाई एट उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बी एटम्स जो हैं वो हमारे पास फेस सेंटर पे सिक्स फेस सेंटर होते हैं जिसमें से एक यदि रिमूव कर दे तो हमारे पास फाइव हो जाएंगे जिसका हाफ कंट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा ए वन बी फाइव बाई टू तो ये हमारे पास हो जाएगा ए टू बी फाइव तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है एटी सेवन इसे बोला गया एन अलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इज़ फाउंड टू हैव कॉपर कंस्टीट्यूटिंग द सी सी पी लेट्स तो कॉपर जो है वो सी सी पी लेटिस में है यानी एफ सी सी स्ट्रक्चर है तो जेड की वैल्यू हमारे पास फोर है एंड टोटल एफ सी सी लाइटिस में कॉपर के जो एटम्स हैं वो वन यूनिट सेल में फोर है फिर बोला गया सिल्वर एटम्स ओक्यूपाई द एज सेंटर्स तो हमारे पास एज सेंटर की बात करी जा रही है तो टोटल ट्वेल्व एजेस होते हैं और एक एज सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वन बाई फोर्थ होता है तो यहाँ पर वन बाई फोर्थ कर देंगे यानी हमारे पास ये आ जाएगा थ्री सिमिलरली गोल्ड जो है वो बॉडी सेंटर पर बॉडी सेंटर पर एक एटम गोल्ड का है और उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या है वन तो यहाँ पर वन हो जाएगा तो इस तरह से अपन देखें तो कॉपर के फोर आइटम्स है यूनिट सेल में ए के सिल्वर के थ्री है और गोल्ड का वन है तो इस तरह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है एटी एट इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर यानी एन स्ट्रक्चर ठीक है एन स्ट्रक्चर में जो सी माइनस होता है वो हमारे पास एफ सी सी का फॉर्मेशन करता है और एन ए प्लस ओक्टाहीड्रल वर्ड्स में जाते हैं ठीक है ओक्टा वर्ड में जा रहा है इसके लिए इसका मतलब सिंपल सा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा और एन ई सी एल स्ट्रक्चर में हमारे पास मोल रेशियो अपन देखें तो हमारे पास एन ए प्लस वन है मोल वन एस टू वन के मोल रेशियो में रहेगा तो सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो होगा वो भी इन्वर्स होता है मोल रेशियो का तो वन एजू वन ही हो जाएगा तो यदि हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर एन प्लस का क्या है सिक्स तो सी एल माइनस का भी क्या होना चाहिए सिक्स ही होना चाहिए तो इस तरह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन ईच कटाइन एन नाइन इज सिक्स तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मूल रेशो जो होता है वो इन्वर्ट्स होता है किसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो का नेक्स्ट एटी नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द बॉडी सेंटर्ड टाइप क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आइनिक कंपाउंड तो बॉडी स्ट सेंटर्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि जो बॉडी सेंटर पर एटम होगा वो एट एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एट हो जाएगा ठीक है और इसके साथ साथ हमारे पास जो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं बॉडी सेंटर्ड में वो भी एट क्यूब्स में शेयर्ड होंगे तो हमारे पास हर एक आपके पास जो वाइड स्पेस है उसमें लेट से जैसे कि यहाँ पर अपन ऐसा मान लेते हैं ये बॉडी सेंटर्ड बी टाइप का स्ट्रक्चर है जैसे सीजियम क्लोराइड अपन ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड पे जो एटम होगा वो हमारे पास इन एट कॉर्नर एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर एट हो जाएगा सिमिलरली हमारे पास इस तरह के एट क्यूब्स कनेक्टेड होंगे जिससे कि यहाँ पर जो कॉर्नर एटम है वो कॉर्नर एटम वन बाई एट्स कंट्रीब्यूशन आता है वन वन यूनिट सेल में तो वहाँ पर इन किस इन बॉडी सेंटर्ड एटम्स के द्वारा एक नया क्यूब बनेगा उसके जस्ट मिडल में ये हमारे पास कॉर्नर आएगा तो हमारे पास ये कॉर्नर एटम भी क्या है इस तरह के बॉडी सेंटर्स के एट क्यूब्स के सेंटर पे सिचुएटेड होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा एट तो इस तरह से अपन बी स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं कि कैटैन और रनयन हमारे पास दोनों ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या अटेंड करते हैं एट तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है ए नाइनटी विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द जिंक ब्लैंड टाइप स्ट्रक्चर तो जेड एन एस टाइप के स्ट्रक्चर में अपन देखें कि हमारे पास रेडियस जेड एन टू प्लस अपन रेडियस ऑफ एस टू माइनस जो होता था वो जीरो पॉइंट थ्री जीरो आता था जो कि जीरो पॉइंट टू टू फाइव से जीरो पॉइंट फोर वन फोर के बीच में इसका सिंपल सा मीनिंग है दैट मीन्स जेड एन टू प्लस गोज़ इन टू टेट्रा हेडल वर्ल्ड टेट्रा हेडल वर्ल्ड में जा रहा है इसलिए इसका मतलब क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा चार एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा और जेड एन एस की अपन यदि बात करते हैं तो जेड एन एस में मोल रेशियो वन इस टू वन का मोल रेशियो है तो इसका कॉर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या हो जाएगा यदि जिंक का फोर है तो सल्फर का भी हमारे पास फोर ही होगा ठीक है क्योंकि अपने को वन टू वन मेंटेन करके चलना है यहाँ पर मोल अपन मान लेते हैं जेड एन एस में और इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो हो जाएगा और आपको ध्यान रखना है कि मोल रेशियो जो होता है वो इन्वर्स होता है किसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो का तो यहाँ पर दोनों के जेड एन टू प्लस और एस टू माइनस दोनों आयंस के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे फोर तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर